लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव के अंदर अलग अलग तरीके की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के पुत्र आर नरेंद्र पाटिल जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो विज्ञापन से लेकर जारी किया है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं न्यायपालिका का जो है आवाज़ आप सुन रहे होंगे, जज बैठा हुआ है और आखिरी के ऊपर मूवमेंट के हमने लिखे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी है। आर भी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बीजेपी प्रत्याशी का जो है फ़ोटो लगाया। इसमें कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार जुडिशरी का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद में कांग्रेस सक्रिय हुई और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग और जो है सुप्रीम कोर्ट तक की उन्होंने जो है शिकायत की। क्या कुछ मामला है हम बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ में निखिल खंडेलवाल जी। ये वीडियो आपके सामने आया कहाँ से, पहले ये वीडियो आया कैसे, क्या आपने शिकायत की, थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए ये कल रात की बात है, मध्य रात्रि की, मैं लगभग सोने के लिए जा रहा था तो सोते सोते स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक को, तो भाजपा के जो सांसद हैं एवं प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, उनके पुत्र एवं और भी कई कार्यकर्ताओं की वॉल से एक वीडियो दिख रहा था। मैंने उस वीडियो को जब ओपन करके देखा तो उस 1.5-2 मिनट के वीडियो में मतलब बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से उन्होंने कोर्ट रूम और जज का उपयोग कर किया है अपने प्रचार के लिए, जो कि सरासर गलत है। आप अपने व्यक्तिगत अपने राजनीतिक लाभ के लिए न्यायपालिका को जजों को बीच में नहीं घसीट सकते। उसके बाद उसमें ही पीछे कंटिन्यूएशन में नरेंद्र मोदी जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, कमल के निशान के साथ एक पोस्टर है, काफ़ी गलत है। किसने शेयर किया वीडियो ये? जी ये वीडियो अपलोड मैंने देखा था, कोई ओम चौकसे करके हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, नरेंद्र पाटिल हैं, ज्ञानेश्वर पाटिल जी के पुत्र हैं, ऐसे काफ़ी लोगों के पास वॉल पे देखा मैंने। कहाँ कहाँ आपने फिर इसकी शिकायत की? जी मैंने वर्तमान में इसकी चुनाव आयोग दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उसकी शिकायत करी है। और न्यायपालिका का एक बहुत ऊंचा स्थान है, इस देश में सबसे ऊंचा स्थान है, संविधान की रक्षा न्यायपालिका ही कर रही है, लोगों का अटूट विश्वास है न्यायपालिका पे, तो उसे इस तरीके से बीच में डालना बहुत ही आपत्तिजनक और शर्मनाक हरकत है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? जी हमारा सीधा सीधा मानना है तत्काल रूप से इस तरीके की प्रचार सामग्री को हटाया जाए। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन पर तत्काल रूप से FIR दर्ज की जाए, एवं अगर भाजपा प्रत्याशी के संज्ञान में यह मामला था और उन्होंने फिर भी इसे रोका नहीं तो ऐसे भाजपा प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि आप एक कांग्रेस नेता है प्लस आप एडवोकेट भी हैं, चुनाव प्रचार के मामले में जुडिशरी का इस्तेमाल कितना कहाँ तक के सही है? जी देखिए मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा इतना शर्मनाक वाक्या। आज तक किसी राजनीतिक दल ने, किसी इसके पहले भाजपा ने भी आज तक कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन इस बार ना जाने क्यों ज्ञानेश्वर पाटिल जी एवं उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि जुडिशरी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उन्होंने क्षेत्र में कार्य किया होता, उनकी कार्यशैली में कार्य होता तो उन्हें इस तरीके के हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। निखिल खंडेलवाल जी से हमने बात की है, शिकायत उन्होंने कर दी है, इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या एक्शन होता है, अगले अपडेट के अंदर आपको ज़रूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बन रहे हैं BNC के साथ, अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अजहर खान, BNC मीडिया बुरहानपुर। आपने रिपोर्ट देखी है या अब वो वीडियो देखी है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, कांग्रेस ने शिकायत की है, ये वीडियो देखिए। अब दोनों से एक प्रश्न पूछता हूँ, दोनों का जवाब एक जैसा रहा इसका मतलब विचार मिलते हैं, फिर आज तलाक नहीं होगा, बोलो मंजूर है? मंजूर है। अब की बार 400 बार। जी हाँ, आपके आपसी मतभेद कितने भी हो, भाई देश के लिए तो सबका एक ही मत है, अब की बार 400 बार। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल को भारी मतों से विजयी बनाइए। तो वो वीडियो आपने देखा जिसके अंदर जुडिशरी का इस्तेमाल किया गया है, जजों का इस्तेमाल किया है, कोर्टरूम का इस्तेमाल किया है, जो कि सरासर गलत दिख रहा है। क्या पूरा मामला था हमने आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताया है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए BNC न्यूज। नमस्कार।